देखे जो फैमिलियां दूर दूर से आई थी वो वापस जा रही हैं, मैं भी घर जा रहा हूँ। गाइस ये देख सकते हो वाम उठ के जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि यार सिर्फ यहाँ पे खजूर से ही रोजा खुला है। गाइस जलालत बहुत हुई है, बहुत ज्यादा वाम है यहाँ पे। ये आज जा रहे हो? हाँ जी, धक्के खा देना, और की खा देना। खजूर भी नहीं खादी? हाँ, किधर आए हो, करो आए हो यार? ये रजब भाई बहुत आपने ज्यादा की है यार। ये है रजब के पापा, वो सामने खड़े हैं। अंकल जी क्या हाल है? यहाँ पे रजब भाई अंदर आ गए हैं, अब पता नहीं वो मुझे नहीं नजर आ रहे, इनको नजर आ रहे हैं जो शोर मचा रहे हैं। ये माम बार गया जहाँ पे उनकी लोकेशन वगैरह, और जहाँ पे आप रश्ट की तादाद चेक कर सकते हैं। तो यो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो क्या हाल चाल आप सबका, उम्मीद करता हूँ यार सब टाइट होंगे और रोजे बड़े मस्त चल रहे होंगे। तो यार आज का सीन बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि यार आज बड़ी एक टाइट इफ्तारी पे जा रहा हूँ। आजकल ना यार बढ़िया मैंने इफ्तारियां चल रही थी, तो ये सीरीज को कंटिन्यू करना चाह रहा था मैं। तो यार रिसेंटली मुझे पता चला जो हमारे यूट्यूबर हैं, व्लॉगर हैं रजब भट्ट, उनकी तरफ से आज बड़ी एक टाइट अफतारी, और टाइट का नहीं मतलब एक अफतारी होनी है, जो कि मेरे कज़न और मेरे भाई लोगों ने बताया। तो आज उसको भी कवर करने लाजमी जाना है। तो यार सीन इज दैट कि यार आज बड़ा लेवल का सीन होने वाला है। तो अभी यार खैर टाइम हो गया जुमे की नमाज का, यार बिल्कुल अब थोड़ा सा टाइम है। भाई मेरा बाहर खड़ा है बाइक लेकर, अभी नहा धो लिया, बाल इस तरह की है और हमेशा इस तरह के रहते हैं। तो यार अभी चलते हैं मस्जिद की तरफ। चलो सुभान साहब जल्दी मोड़ो। तो गाइस अगर आपने वीडियो पे क्लिक कर लिया तो यार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो, ताकि हम में थोड़ा सा कम कर सके। तो यार आज मौसम बड़ा अच्छा है, धूप धूप लगी हुई है। क्यों बच्चे सही है ना मौसम? सही है, अंदर चल अंदर चल। अच्छा तो गाइस यहाँ पे नमाज पढ़ने आ गए हैं, एज यू कैन सी रश बहुत है। सुभान बाइक लगा रहा है यार। अभी चलते हैं अंदर, अंदर का निज़ाम देखते हैं और कैसा निज़ाम है। गाइस ऊपर जा रहे हैं, इधर तो बहुत ज्यादा रश है। हाँ जी, तो गाइस यहाँ पे जुमा शुमा पढ़ लिया आपके भाई ने, अब जाना है घर और तैयारी करते हैं फारी में जाने की। सुबान गया वहाँ पे अपने कारी साहब के पास चार्जर वगैरह लेने, तो वहाँ से आते हैं और निकलते हैं फिर। गाइस ये आ गया सुबान, चल सुबान आ जा चले। आई एम रेडी, फुल एंड फाइनल रेडी। अब बस अपने कजन को पकड़ना है, दूसरे वाले कजन को फोन कर दिया, वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं और देन निकल रहे हैं यार। तो गाइस यहाँ पे बाइक भी रेडी होगी, मुबीन भी आ गया। तो यार अब हमारी घर से लोकेशन जो बनती है वो 15 किलोमीटर बनती है। कितनी बनती है? 7-8 किलोमीटर बनती है तकरीबन। हमें वहाँ पे कोई जाते जाते आधा घंटा तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा दूर है, क्योंकि मुबीन साहब ऐसे ही है। तो अभी बस निकल रहे हैं, हेलमेट लाजमी है क्योंकि यार चलान हो जाता है, सेफ्टी भी एक हिसाब से फर्स्ट है, लेकिन हेलमेट 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 हेलमेट। अच्छा हम आ जाइए, अल्लाह हाफिज, अल्लाह के बाद। ओके गाइस निकल रहे हैं। तो ओके गाइस चल भाई पता है। गाइस तकरीबन हम लोकेशन के आसपास ही हैं, ये बाजार है जहाँ पे रजब भाई ने बताया था, उसी तरह करके मुबीन का रास्ता बेहतर पता है, तो मैंने उसको आगे जगा के खुद ही ड्राइव कर और चलते हैं यार, आसपास पहुँच गए हैं बस। तो गाइस यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भाई साहब रश ऐसा, अभी 2 घंटे हैं मुबीन साहब, क्या कहना चाहोगे आप? जलालत प्रो मैक्स आना कि मुझे कह रहा था कि भाई बहुत जल्दी जा रहे हैं, लेकिन मैंने कहा यार ठीक है, मसले वाली बात नहीं है, लोकेशन में पहुंच गए, अभी वहाँ पे ताला लगा हुआ है, अभी मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ क्या सीन है। यहाँ पे रजब भट आ गया है और वो चेक करें वहाँ पे रश चेक करें। तो भाई ये लोकेशन है जहाँ पे इफ्तारी का निज़ाम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह दस्तरखान बचा है, लेकिन यहाँ पे रजब भट आ गया है। मैं आपको ना यहाँ पे मौसमी व्लॉगर दिखाता हूँ, वो चेक करें बंदों के हाथ फोन चेक करें। ओ गाइस यहाँ पे क्रेज चेक कर सकते हैं, नारे लग रहे हैं रजब भट्ट के नाम से, जो उनकी गाड़ी है मेरे ख्याल से वहाँ पे रुकेगी, वहाँ से जब वो बाहर आएंगे और देन यहाँ पे सारा निज़ाम लगेगा। ये माम बार गया जहाँ पे उनकी लोकेशन वगैरह, और जहाँ पे आप रश की तादाद चेक कर सकते हैं। अभी ये तो हालांकि बहुत कम है, अभी तो 2 घंटे रहते हैं अफ्तारी में, जैसे जैसे करीब आएंगे, लोग बहुत बहुत दूर से आए हैं, मुझे जहाँ तक अभी सुनने को मिल रहा है बहुत बहुत दूर से आए हैं। ये चेक कर सकते हैं रश, भाई साहब बहुत तगड़ा रश लग गया है। अभी 2 घंटे, मैं बार बार यही चीज़ कह रहा हूँ, अभी 2 घंटे रहते हैं और जब अफ्तारी का टाइम होगा तो इधर तो रास्ते का निज़ाम ही नहीं समझ आना। अभी भी आप देख सकते हैं हर जगह बंदा ही बंदा इकट्ठा हुआ हुआ है, ये देखें। यहाँ पे रजब भाई अंदर आ गए हैं, अब पता नहीं वो मुझे नहीं नज़र आ रहे, इनको नज़र आ रहे हैं जो शोर मचा रहे हैं। यहाँ पे देखे बाउंसर भाई धक्के मार रहे हैं सारे लोगों के, लेकिन लोग नीट हैं, बाज नहीं आ रहे।
इधर भी खड़े हैं लेकिन भाई वहाँ भी भाग भाग क्योंकि गाड़ी वहाँ पे गई है और वहाँ भी भाई सारे ने नाम लगाया। तो गाइस ये मेरे ख्याल से रजब भाई निकल रहे हैं यहाँ से। ये मुबीन कह रहा है कि यार बंदे ज़्यादा आ गए और समोसे कम पड़ गए, समोसे लेने जा रहे हैं। तभी पता चल जाएगा भाई कौन है अंदर अंदर से निज़ाम ही सारा कालो काली होया पता ही नहीं चल रहा। व्हाट अ बिजी डे। गाइस ये देखें दूसरे फैन भी पीछे पीछे ही हैं। ये देखें ये चेक करें सबसे तगड़े ये हैं इन सब में। इन सब को शर्म आ रही है लेकिन ये भाई तगड़े हो के लगे हैं। मुझे भी थोड़ी थोड़ी शर्म आ रही है लेकिन मैं भी ट्रीट होके लगाऊँ। हाँ तो गाइस जैसे जैसे टाइम गुजर ही जा रहा है रश बढ़ता जा रहा है। मेरा कज़न भी बैठ गया, मैं भी हेलमेट के ऊपर बैठ गया हूँ। हल्का हल्का रोज़ा लगने लग पड़ा है। इंदी से बस हो गई। हाँ जी भाई साहब यार बड़ा टाइट उतारी है यार तू मेरा दोस्त। मैं तो बनाता ही नहीं हूँ। क्या हाल है? तो गाइस यहाँ पे अपने फैंस भी लगे हैं। तो गाइस यहाँ पे रश की सूरत हाल चेक कर लो। तकरीबन हमें 1.5 घंटा हो गया आए हुए लेकिन यहाँ पे कोई निज़ाम नहीं। मुबीन सॉरी यार लेकिन अब कोई बात नहीं, थोड़ा सा सह मेरा भाई। यहाँ पे कुछ लोग ना मिनट मिनट बाद चेहरे ले रहे हैं लोगों के, आवाज़ें कस रहे हैं कि वो आ गए सारे मुड़ मुड़ वेख दे रहे हैं। तो गाइस ये चेक कर ले फिजिकल गिम्बल। ये डेडिकेशन चाहिए भाई हमारी वहाँ में, ये होनी चाहिए। देखें बेचारा वो शायद उसको उसने लारा दिया हो अफतारी का, वो बेचारा उठ के आ गया। यार यहाँ पे लड़कियों का जो औरतें हैं वो निज़ाम लग गया उनका, वो अंदर जा रहे हैं लेकिन लड़के स्टिल वहाँ पे ही हैं और मुझे नहीं लगता कि उन सब में से किसी ना किसी की बारी आएगी। चल इधर दस्तरखान भी लग गया है, मेरा कज़न बाहर ही है। ओए आ गया। ओ मैं कहता हूँ सीटें मिले पहले, क्या कहता है देना यार मर जाएंगे बच्चे। यकीन मानो सांस नहीं आ रही बच्चों यार, जल्दी बैठ जा बैठ जा। किधर गया? और जल्दी आ जा आ जा आ जा, शूज उतार इधर बैठ जा इधर। ओए होए 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 मुबीन ऐसा कर आगे हो आगे हो आगे हो आगे हो जाओ, उस पर बैठ जाओ उस पर बैठ जाए, मैं तो उस पर बैठ देते हैं। ऐसे तीन तीन हो जाओ ना तीन तीन। भाई जलालत बहुत हुई है, बहुत ज़्यादा वाम है यहाँ पे। मुबीन साहब सा नहीं आ रहा से मैनू यार, अजीब जाहिल लोग ने जाहिल लोग। रोज़ा खुलने में कितना टाइम है अभी? तो बहुत टाइम है यार, बहुत टाइम। यार ये हैं रजब के पापा, वो सामने खड़े हैं। अंकल जी क्या हाल है? गाइस रोज़ा खुल गया है हमारा लेकिन जो अहले तशरीह हैं उनका रोज़ा नहीं खुला, तो अभी थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हीं के साथ इकट्ठे ही खोलेंगे वो मीन साहब। तो गाइस यहाँ पे सब ने रोज़ा खोल लिया है खजूरों से, मैं भी खोल रहा हूँ। पानी शानी का भी निज़ाम नहीं आया ना ही कुछ और। गाइस ये देख सकते हो वाम उठ के जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि यार सिर्फ यहाँ पे खजूर से ही रोज़ा खुला है। पानी ये आ रहा है पता नहीं कहाँ पे जा रहा है भाई। ये गिलास देना चाचू। कोई निज़ाम नहीं, कोई निज़ाम नहीं, कोई निज़ाम नहीं। ये उस्ताद जी जा रहे हो? हाँ जी धक्के खा देना और की खा देना। खजूर भी नहीं खादी? हाँ किधर आए हो करवा आए हो यार? ये ये रजब भाई बहुत आपने ज्यादा की है, नाम समझ नहीं ना आया नजर नहीं आया। ये सारे लोग यहाँ पे जा रहे हैं, चले मुबीन साहब हम भी। ये ग्लास मिला भाई ने मुझे ला के दिया है, ठंडा पानी है मीठा नहीं है। मिला यार की याद करेगा तू। गाइस अभी मैं औरतों वाली साइड से हो गया हूँ, वहाँ पे भी कोई निज़ाम नहीं है। मुबीन साहब चलने वाली करें यार, मतलब सारी करवाई संभाली नहीं गई। कितने कराई? खजूरों से। मतलब ये आप देख सकते हैं बिरयानी दूर की बात, पानी इस तरह से मिल रहा है कोई चक्कर नहीं है। क्यों भाई ऐसी है?
देख दो वीडियो देख लो यार इधर अपने मिल गए लेकिन जिससे मैं मिल रहा हूँ वो नहीं मिल रहा वो शिजाब दो वो जी नहीं सबको दे देना सबको दे दे एक एक करके यार एक मिनट एक मिनट बारी 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 भी रश की ये सूरत हाल है देखिए जो फैमिलियां दूर दूर से आई थी वो वापस जा रही हैं मैं भी घर जा रहा हूँ अल्लाह के वाले मुबीन किधर है मुबीन है यार यहाँ पे कोई सीन नहीं लगा एक खजूर और एक पानी का गिलास पिया है और इन्होंने कहा था जो हम खाएंगे वही खिलाएंगे तो ये खाया इन्होंने और ये हमें खिलाया यहाँ पे बड़ी दूर दूर से फैमिलीज आई थी सारी वापस चली गई हैं और हम भी वापस जा रहे हैं बड़ा टाइम गुजर गया भाई भी बड़ी दूर से आए थे इसको मैं जिस तरह से लेके आया मुझे बताओ और सॉरी मुबीन साहब कोई मसला नहीं क्या चलो यार ओके करो अल्लाह के बाद चले गाइस निकल रहे हैं हम तो ये भी सारे लोग चले हैं मतलब यार ज़िंदगी का सबसे पूरा एक्सपीरियंस रहा है हालांकि लोग अभी भी खड़े हैं इसी इंतज़ार में कि कुछ ना कुछ होगा 7:30 बज गए हैं और अभी तक उस पानी और उस खजूर के अलावा कुछ भी नहीं मिला और सारे ही वापस आ रहे हैं ये देख रहे हैं यहाँ भी जितना रश था उतने ही लोग मायूस होकर वापस जा रहे हैं क्या हाल है भाई हाँ जी हाँ जी क्या हाल है ठीक हो सही हो सुनो मुबीन साहब हाँ तो गाइस अभी मैं वहाँ से निकल आया था स्टिल रास्ते में बहुत ज़्यादा रश था जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं कर सकता मैं यहाँ पे आपको 2 से 3 बातें क्लियर करना चाहूँगा यार मेरा कोई ऐसा मसला नहीं है रजब भाई से मेरे घर में बड़ा चलता है उनका व्लॉग और मैं खुद एक कंटेंट क्रिएटर हूँ इस बात को मैं बड़ी अच्छी तरह समझता हूँ ऐसे ऊपर नीचे हो जाती लेकिन एक मैनेजमेंट नज़र नहीं आई मतलब कोई निज़ाम समझ नहीं आया बड़े बड़े दूर से लोग आए थे सबसे बड़ी बात रजब भाई को खुद ऑन द स्पॉट होना चाहिए था वो वहाँ पे नहीं थे जिसकी वजह से शायद मेरे ख्याल से इस तरह का निज़ाम हुआ है और रही बात अफ्तारी की सब बंदों को मैंने सिर्फ एक बंदे को प्लेट में पकौड़े खाते देखे हैं मैं लेडीज़ वाली सेक्शन में भी गया था जो नज़र आ रहा था स्पेशली नहीं गया था वहाँ पे भी मुझे कुछ वो नज़र नहीं आया सिर्फ खजूर और पानी से खोला था सबने और ऐसा कोई मसला नहीं है यार ऊपर नीचे हो जाता लेकिन रजब भाई को खुद होना चाहिए था उधर यार एट दी एंड में यही बात कहना चाहूँगा कि यार रजब भाई को उधर होना चाहिए था क्योंकि अफ्तारी की इतनी कोई मसला नहीं था बात नहीं थे अगर ना भी मिलता लेकिन ज़्यादा लोग जो थे वो उनसे मिलने आए थे उनको देखने आए थे उनके साथ पिक्चर लेने आए थे तो यार ये थोड़ा सा नहीं सही हुआ सीन बताया कोई नहीं भैया अपना वो भी सारे भैया हैं खिलाफ है